नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल अंकित गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फाइनल ईयर भौतिक विज्ञान पेपर सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के ऊपर देखिए दोस्तों मैं आपको इनको समझाने की कोशिश करता हूं उम्मीद है आपको समझ में आ जाएंगे मेरी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको कुछ समझ में आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं देखिए दोस्तों क्या दिया है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों की तुलना ये क्रिस्टलीय ठोस है ये अक्रिस्टलीय ठोस है इनमें क्या करना है हमें अंतर दिखना है तो देखिए दोस्तों बिल्कुल सरल है कैसे करते हैं पहला है क्रिस्टलीय ठोसों में परमाणु सभी परमाणुओं की व्यवस्था एक निश्चित क्रम में होती है यानी इनके परमाणुओं की व्यवस्था एक निश्चित क्रम में होती है यानी कि जैसे मान लो उदाहरण के लिए मान लो एक दो तीन ऐसे लाइन से होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों में परमाणुओं की व्यवस्था निश्चित क्रम में नहीं होती इनमें क्या होता है पहले चार आ गया फिर तीन आ गया फिर कहीं आठ आ गया फिर कहीं दस आ गया इसमें निश्चित क्रम नहीं होता यानी अलग अलग क्रम होता है कैसा भी मिक्सचर होता है इसमें और देखिए अगलग टो तो, बिंदु क्या है ठोसों का गलनांक निश्चित होता।, होता है यानी इनका गलनांक निश्चित होता है क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक कैसा यानी पिघलने की क्षमता ये पानी ए, कितने जैसे मान लो लोहा है लोहा उदाहरण के लिए तीन सौ डिग्री पे तीन सौ डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाता है तो वो तीन सौ डिग्री सेल्सियस पर पे ही पिघलेगा जैसे हीरा है हीरा जितने ही हीरा एक क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण है हीरा जैसे मान लो एक हज़ार डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है तो एक हज़ार डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पिघलेगा मैं ये उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ नहीं आप कमेंट करें कि हीरा इतने में नहीं पिघलता है देखिए और अक्रिस्टलीय ठोस है ठोसों का गलनांक निश्चित नहीं होता तो देखिए दोस्तों इन अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं जैसे ग्रेफाइट है आक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है इनका गलनांक निश्चित नहीं होता कभी ये पचास डिग्री पे ही पदल जाएँ कभी सौ पे ही पकल जाए कभी दो सौ पर ही पगल जाएँ कभी एक सौ पचास डिग्री पेट पकड़ जाएँ तो इनका कलनाक निश्चित नहीं होता ये कोई तीसरा बिंदु क्या है ठोसों के भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक विद्युतीय चालकता उसमें चालकता आदि ठोस की विभिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं यानी इनकी जो अपवर्तनांक है विद्युतीय चालकता चा लगता है उसमें ये यानी उसमें चालकता यानी जैसे अपन कोई भगवानी आता गर्म करते हैं तो उसका डंडा भी गर्म हो जाता है उसमें चालकता है विद्युतीय चालकता यानी करेंट वाली दशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं यानी अलग अलग दशाओं में जैसी इनकी दशा होगी वैसे वैसे ये भिन्न भिन्न होती हैं ये ठोस पदार्थ विषम तैसे कूती हैं विषम दैसे क्या यानी अलग अलग प्रकृति के बैसा है? है। ये ये होते हैं अब आकृष्टिलीट हो देखते हैं अब बर्तनांग विद्युतीय चालकता उसमें चालकता बिल्कुल वैसा के वैसा इनमें क्या एक समान होते हैं ये समदैसे होते हैं यानी एक समान रहते हैं समदेश यानी एक समान और विषमदैसे यानी अलग अलग रहते हैं ये एक जैसे रहते हैं एक 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 जैसे अलग रहे एक जैसा एक ऐसा रहेगा तो सभी एक जैसे ही रहेंगे और इसके उदाहरण है चौथा टॉपिक सॉरी चौथा पॉइंट उदाहरण नमक क्वारज कैल्साइट इत्यादि इसके उदाहरण है अक्रिस्टलीय टूस के प्लास्टिक रबर आटा इत्यादि थे देखिए दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं